प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, आपने आपका दंड पूर्ण किया, इसीलिए हमारे वचन अनुसार आपको आपकी शक्तियां पुनः लौटाई जाती है। चूल में चूना लगा दिया है, हमारी इज्जत का फलूदा किया कुछ अलग। अब तुम चाहती हम इसे लाल लपड़ करें? अरे हमसे ना होगा। अरे जीजी, एकदम सही कहा। आए ऐसी शादी में का शामिल होना जहाँ लड़की या दुल्हन बनने के पहले घर वालों को लूट लिया। और हम तो कहते हैं कि संतोषिया का ये रिश्ता ही टूट जाए। ना होगा रिश्ता, ना होगी रस्में और ना होगा खर्चा। कृपा करो माँ, हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। क्या हुआ? माँ, एक लड़की के लिए सुहागन बनने से बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, लेकिन जब उसी सौभाग्य पर काली छाया पड़ जाए तो उस लड़की के दिल पर क्या बीतेगी माँ? हमारी बेटी आपकी परम भक्त है, फिर भी उसकी शादी में उसके साथ ये सब हो रहा है। कृपा करो माँ। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी विनती पर संतोषी को आशीर्वाद देने आए। माफ कीजिए, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हम तो बंजारे हैं माताजी, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और हर किसी की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। गुलवाले भैया से मालूम पड़ा कि आपके घर में शादी है, इसलिए हम आ गए। और सुना है कि आज हल्दी की रस्म भी है। आप लोग कौन है, कहां से आए, लेकिन इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हम अपनी मां से मिल रहे हैं। वही हमारे सामने खड़ी। नहीं बेटा, अब इन आंखों में आंसू नहीं, आने वाली जिंदगी के सपने होने चाहिए। खुशी के मौके पर आंसू की जरूरत नहीं। चलिए अब हमें चलना चाहिए। माता जी आज्ञा दीजिए, अब हम चलते। धन्यवाद।